अभी भी रोनी हुई थी, फिर अभी छत पर आई थोड़ा सा मिस कर रही हूँ ना, मैं तो जा भी नहीं पाऊंगी दीदी लोग मेरे लिए। हमारे लिए भी कुछ आया है, धन्यवाद आपका बहुत। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और मेरी भी तबीयत पहले से थोड़ा सा ठीक है, बस थोड़ा सा सर पे दर्द हो रहा है, बाकी पहले से तो ठीक है। आई होप आगे भी ठीक हो, ये सर दर्द भी फटाफट से दूर हो जाए। और अभी मैं आई हूँ छत पे, मैंने अभी नहाया तो फिर मम्मा कह रही थी एकदम ठंडा ना लगे तुझे, फिर और परेशानी होगी, तब मैं अभी छत पर आई हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, बेटर फील कर रही थी। सो या आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है। और कैसा लगा आप सभी को मेरे को वापस देख कर? तो अभी दीदी बना रही है खाना, फिर अभी थोड़ी देर पे जाऊंगी मैं नीचे। पता इतने दिनों से इतना परेशान हो गई थी ना मैं, कॉलेज भी रोज़ डेली का मिस हो रहा है, पढ़ाई छूट रही है, वैसे ही पढ़ाई नहीं हो पाती है। बट ये होता है कि कॉलेज जाकर थोड़ा सा चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा फिर पेपर का टाइम पे ये होता है ना कि पढ़ा जैसा है, फिर अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पे नीली नीली टॉपिक देखें तो कैसा हो जाता है। और अभी असाइनमेंट्स भी बनाने हैं, वो भी अभी तक बनाई नहीं है मैंने, बाकी का भी पता नहीं, बस पूछूंगी दोस्तों से भी। सो अभी मिलेंगे थोड़ी देर पर, मैं नीचे जाऊँगी। और अभी छत में डाले गेहूँ, ये ताइशी लोगों के हैं, उधर वाले हमारे हैं। मौसम देखो, बादल पूछो कैसा लग रहा है, ये एलिफेंट जैसा, मतलब कि ये वाला पार्ट एलिफेंट का लग रहा है और ऐसा लग रहा है ये पता नहीं क्या है, ये वाला फेस टाइप का नहीं लग रहा। देखो मेरी दीदी खाना बना दिया, आज तो और अच्छा बनाए हैं पता है दीदी, क्योंकि मैं आलू खा सकती हूँ कर रोटी के अंदर आलू भर कर बना रही हूँ, पर अच्छा लग रहा है पता है। रोज़ मैं सादा सादा खाना खा रही थी, मेरी दीदी इधर तो दे, ये मेरी दीदी। चल तू ला, हम चलते हैं अंदर। तो क्या दूँ? कुछ नहीं, उनको तो कर दो, वही ले खाना। ये भी आ गई, गुड। मेरी दीदी पता है परेशान हो गई है जब से आई है दीदी काम। ये तो है रोटी आलू भर कर, और ये है दही, और इसमें मम्मी ने ककड़ी को दी है, खाया जाएगा घर का खाना। आजकल खूब सेवा हो रही है। अब फोन पकड़ लिया। मैंने सोचा आज बनाती हूँ, नेट कनेक्ट करो ना अपना, कनेक्ट तो है, खोल रखा। सो अभी बज रहे हैं 12, और पता है अभी घर के बाहर मतलब मार्केट साइड पे ही कृष्ण जी का जन्मदिन तो जा चुका है, लेकिन उससे ही रिलेटेड ये लोग हांडी फोड़ मटकी फोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं शायद से। और अभी बज रहे हैं 12, तो ये 1 बजे के आसपास आने वाले हैं। सो आप सभी को भी दिखाऊंगी, और मैं भी देखूंगी बहुत टाइम बाद हो रहा है सब कुछ। सो थोड़ी देर में मिलेंगे आप। Oh,
पे, ये मेरा ग्लूकोज का पानी, ये बॉटल मेरी दीदी लाई थी मैंने, ये आ चुके सीरी देखो तो ज़रा। अभी मैं सोकर उठ रही हूँ तो सर पे दर्द होना मेरी, मैं तो अभी भी रोने थी, फिर अभी छत पर आई थोड़ा अच्छा लगेगा। करके दीदी है हमारे साथ और आज का शाम का व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा है, उधर दिखा दीदी क्या प्यारा लग रहा है ना, रोज नया नया व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से, है कितना सुंदर हो रहा है, अभी कितना सुंदर हो रहा है उधर, वो वाला बादल देख और उसकी आपको जो इतनी प्यारी किरणें हैं। ऐसा लग रहा है पेंटिंग करी हुई ना, वही तो बहुत सुंदर आ रहा है। बारिश तो नहीं होगी कहीं, क्या पता, मतलब बादल ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल। इधर सामने वाला आसमान भी बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये वाला बादल तो फोटो भी। आज पता है कुमाऊं महोत्सव स्टार्ट हो गया है और नीचे वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं GIC फील्ड पर, थोड़ा सा दिख रहा है छोटा सा, मैं तो मिस कर रही हूँ ना, मैं तो जा भी नहीं पाऊंगी, दीदी लोग शायद से आज जाने वाले थे लेकिन टाइम का बहुत इशू हो गया है आज, मैं सोई रह गई थी और पैसे हो गया था। दीदी तुम लोग कल जाओगे ना? हाँ जाएंगे, क्योंकि फिर फिर मैं चले जाऊंगी एक दिन तो देख के जाऊंगी कैसा हो रहा है। तो अगर दीदी जाएगी तो दीदी वहाँ से भी वीडियो बना के लाएगी, फिर वो मेरे चैनल लाइव आऊंगी। हाँ मिस कर रही हूँ, बड़ा वाला झूला भी लगा है। हाँ यहाँ से दिख रहा है, लाइट्स दिख रही है, हाँ लाइट्स वगैरह दिख रही है, छोटा सा उधर पे दिख रहा है। जब से लेकर आई है मैंने इतना पानी पी लिया, चलो इसी बहाने तू पानी तो पी रही है, दो तीन मिनट में भर गई, शौक हो रहा है उसमें पीने का पानी। और आज तो बहुत मजा आया जब दही हांडी फोड़ी, मतलब और टाइम भी होता था पर ऐसे दही हांडी नहीं फोड़ते थे। हाँ। और ऊपर से वो घर के सामने से, वह तो हमारे घर के सामने थोड़ा व्यू भी अच्छा रहा, मतलब सब देखने में लाइव में तो आप सभी ने देख लिया होगा, लेकिन मैं अभी जो आज का ब्लॉग डाल रही हूँ उसमें भी हाईलाइट डालूंगी, बहुत प्यारा है। लाइव में इतना क्लियर नहीं आया होगा ना, डेस्क की भी अभी ऊपर ही है। क्या हुआ बेटा, तू कब से ऊपर अकेले है, हैं कब से? हाँ दीदी बुला रही है, डेस्क की कहाँ है आपकी मम्मी? चलो चलो सीधे, चलो सीधे, गुड गुड गर्ल। लुक एट हर, ना नमक है इसमें ना नींबू है, इसमें कुछ नहीं है, मैं लगा के आती हूँ। नहीं 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 वो नींबू मेरे हैं, तूने लिए तेरे को कसम है, चुप है, देखो मेरी कसम तोड़ ली। डस्की तू और मैं अकेले हो गए, पियोगे पानी पियोगे? नहीं क्या प्यारा लग रहा, देखो मेरी ड्रिंक और हमारा स्काई, ये देखो यहाँ लगे हैं झूले, वो भी देखो झूला है इसका, इसके नीचे ना एक ग्राउंड और है, वहाँ पर को रहे सारे प्रोग्राम्स डांस वगैरह, ये है यहाँ से इतना दूर, देखो हमारे लिए भी कुछ आया है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत गदुली मेरी। ये नमक अमक सब लगा लाई, डस्की एप्पल खाएगा, सेब खाएगा, देख भाई थोड़ा सा नहीं खाएगा वो, अभी तो आ कर देता हो, देख नहीं खाते बेटी है आप, नहीं खाते हो, शाम का व्यू हमारे घर से, सबके घर की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और इतना प्यारा लग रहा है, और नीचे जो कुमाऊं महोत्सव हो रहा है उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको बैकग्राउंड पे, नीचे झूला भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, यहाँ से जाने का भी बड़ा मन कर रहा है। ये बादल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यार, नीचे चले अब, यह तो मम्मी से पिटेगी तो जमीन पे बैठी हुई है, हाँ
सब रिकॉर्ड हो गया है, कहाँ बैठी है? मैं डालूंगी नहीं, अच्छा। सो गाइस, डिनर भी हो चुका है और खाना आना खा लिया था, मुझे याद तक नहीं रहा मैंने आज व्लॉग की एंडिंग नहीं की है और अभी अराउंड हो रहा है 11, तो आज के व्लॉग को हम ये एंड कर रहे हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।